12 साल बाद 2028 में लग रहे उज्जैन कुंभ मेला को लेकर भाजपा सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो सके इसके लिए धर्मस्व विभाग को उज्जैन शिफ्ट किया जा रहा है। एमपी के संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, कांग्रेस का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह पर पलटवार करते हुए धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। कांग्रेस का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसलिए जो भी कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 2028 कुंभ मेले के लिए धर्मस्व विभाग को उज्जैन क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, इस पर लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हो सकें, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। मैं लक्ष्मण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, तो इस ख्याल में रहते हैं। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा की ओर भाग रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा संदेश है कि कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं, ये लोग अपने भविष्य की तलाश में भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार ये भी भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।